हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी और एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुष्का शर्मा जी की सभी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अनुष्का शर्मा जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2008 में आई रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से करी थी और इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 31 करोड़ की। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 157 करोड़ की बम्पर कमाई करी और मेरे दोस्त अनुष्का जी की पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 2010 में इनकी दूसरी फिल्म आई बदमाश कंपनी, इस फिल्म की बजट थी तो 29 करोड़ की। वहीं इसने कमाई करी 52,98,00,000 की और यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद आई थी बैंड बाजा बराती, बजट थी फिल्म की 15 करोड़ की, कमाई इसने 33,30,00,000 की और यह सेमी हिट रही। अगली फिल्म आई अनुष्का जी की साल 2011 में पटियाला हाउस, इस फिल्म की बजट थी दोस्त 50 करोड़ की, दुनिया भर से इसने कमाई थी 56,04,00,000 की और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी लेडीज वर्सेस रिक्की बहल और दोस्तों इसकी बजट थी 20 करोड़ की, फिल्म ने कमाई करी 53,65,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद साल 2012 में अनुष्का शर्मा जी की फिल्म आई जब तक है जान, बजट थी दोस्त इसकी 65 करोड़ की, दुनिया भर से इस फिल्म ने 235,66,00,000 की बम्पर कमाई करी और मेरे दोस्त यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 2013 में आई मटरू की बिजली का मन डोला, फिल्म की बजट थी दोस्त 45 करोड़ की, कलेक्शन की इसने 62,89,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई अनुष्का जी की साल 2014 में पीके, बजट थी इसकी दोस्त मात्र 85 करोड़ की। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 838,33,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2015 में आई NH-10, बजट थी 14 करोड़ की, कमाई की इसने 50,97,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद आई बॉम्बे वेलवेट, 105 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने कमाई मात्र 43,06,00,000 की और दोस्त यह फिल्म बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई दिल धड़कने दो, बजट थी 83 करोड़, कमाई की 150,03,00,000 की, इसी के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 2016 में अनुष्का शर्मा जी की फिल्म आई सुल्तान, फिल्म की बजट थी मात्र 90 करोड़ की, दुनिया भर से इस फिल्म ने कमाई 614,49,00,000 की और मेरे दोस्त यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई ए दिल है मुश्किल, 100 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कलेक्शन करी 241,06,00,000 की, इसी के साथ ही यह फिल्म हिट रही। इसके बाद साल 2017 में इनकी फिल्म आई फिलोरी, 21 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई 50,01,00,000 की और दोस्त यह हिट रही। इसके बाद आई जब हैरी मीट सेजल, बजट थी 80 करोड़ की, कमाई करी इस फिल्म ने 153,43,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। इसके बाद 2018 में आई परी, बजट थी इस फिल्म की दोस्त 18 करोड़ की, कमाई करी इस फिल्म ने 42,40,00,000 की, इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद अनुष्का शर्मा जी की फिल्म आई संजू, बजट थी इस फिल्म की दोस्त मात्र 100 करोड़ की, दुनिया भर से इस फिल्म ने 587,18,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी और दोस्त अनुष्का जी की यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई सुई धागा,
भागा। बजट थी फिल्म की 45 करोड़, कमाई इसने 125 करोड़ 9 लाख की और इसी के साथ ही यह हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई जीरो। बजट तो थी फिल्म की दोस्तों 200 करोड़ की, लेकिन इस फिल्म ने कमाई 196 करोड़ 8 लाख की, इसी के साथ ही यह डिजास्टर रही। और दोस्तों इसके बाद साल 2022 में आई कला फिल्म में अनुष्का शर्मा जी की कैमियो अपीयरेंस थी और इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई। तो दोस्तों यह था अनुष्का शर्मा जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।